हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? सो गाइस, आज ना मैंने स्टूडियो जाने का प्लान बनाई हुआ काफ़ी मतलब दिनों से मैं सोच रही थी, बट हो नहीं रहा था किसी रीज़न से। और यहाँ पर सिस्टर का भी ट्यूशन आ जाता है और घर में भी बहुत काम होते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी हो नहीं रहा था। बट आज मैं फाइनली स्टूडियो जाने वाली हूँ। और स्टूडियो के बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि स्टूडियो में बहुत रीजनेबल रेट में क्लोथ्स मिलते हैं, टॉप मिलते हैं, टी शर्ट मिलते हैं, वहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स किड्स तीनों के लिए है और काफ़ी रीजनेबल रेट में, ऐसा मैंने सुना है। तो आज जाके भाई चेक कर है कि ये सच है कि बस अफवाह फैली हुई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि गर्ल्स को पता चले जहां भी रीजनेबल रेट में मतलब क्लोथ्स मिल रहे हैं या टॉप मिल रहे हैं तो लड़कियां भाई वहीं पे फ्लैट हो जाती है। तो यहां पर मैं जो भी चीज देखूंगी उन सबके प्राइस जो है आपको स्क्रीन में मेंशन हो जाएंगे। और यहां पर मैं एक कंपेयर करने वाली हूँ अदर मॉल से, क्योंकि स्टूडियो भी एक मॉल ही है, तो मॉल की जब बात आई तो रेट बहुत हाई हो जाते हैं, तो स्टूडियो में यहाँ पर जाके चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर कुछ अच्छा लगा तो मैं ले भी सकती हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जब तक मैं अपना एडिटिंग तब तक सिस्टर का ट्यूशन भी खत्म ही हो जाएगा, तो फिर शाम को हम निकल जाएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर से। सो गाइज़, हम निकल गए हैं स्टूडियो के लिए और यहाँ पर हमको कुछ काम भी था तो वो भी हमने निपटा लिए हैं। पेट्रोल भी भरवाना था और पेट्रोल भरवा के यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर स्टूडियो था, तो हम पहुँच गए हैं स्टूडियो। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं स्टूडियो आई थी। और जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो अंदर एंटर करते ही हमने देखा कि अलग अलग सेक्शन थे। 399 की बॉयज़ की टी शर्ट थी, 599 की टी शर्ट थी और यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज वगैरह भी थी और टी शर्ट थी और विंटर कलेक्शन भी था, जैसे कि देख सकते हो ठीक ठाक ही विंटर कलेक्शन था। जैसे मैंने देखा एक दो मतलब यहाँ पर दिख रहे थे, बट ऐसा कुछ हमको लगा नहीं लेना चाहिए करके लिए। टी शर्ट आप देख सकते हो ओके थी और ज़्यादातर क्रॉप थी, और क्रॉप टी शर्ट हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ठंड में। एक टी शर्ट स्वेट शर्ट टाइप का था, कुछ देख के अच्छा लगा, बट जिसका प्राइस 400 था, काफ़ी कॉस्टली था मटेरियल के हिसाब से। और 199 का यहाँ पर सेक्शन था जहाँ पर टी शर्ट थी, मटेरियल ठीक था, मतलब 200 के हिसाब से अच्छा था मटेरियल। एंड गाइज, इस टाइप के कुछ पैंट्स भी थे जो 500 के थे, ओके थे। 399 में यहाँ पर कुर्तीज भी थी जो कि येलो कलर की कुर्ती मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड गाइज, यहाँ पर एक बात मेरे साथ इतनी अच्छी हुई कि मुझे मेरी सब्सक्राइबर्स मिली जो कि अननोन थी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे कई लोग जानते हैं, तो ये देख के मुझे अच्छा लगा। गाइज, यहाँ पर कुछ विंटर कलेक्शन भी था जो कि अच्छा लगा था मुझे, बट प्राइस में देख नहीं पाई, काफ़ी ऊपर था। एंड जीन्स भी थे जो कि 500 के थे, और यहाँ पे टी शर्ट्स थी, 199 की टी शर्ट्स थी जो कि मटेरियल अच्छा था, तो मैंने यहाँ से कुछ टी शर्ट परचेस किए हैं। और यहाँ से 199 का ये फुल स्लीव्स का टी शर्ट था, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा मतलब विंटर के हिसाब से। और वहाँ पर मुझे साइज़ नहीं मिला तो यहाँ से लेना था मुझे, बट वहाँ पर 500 लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि 500 में बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो 799 में ये मटेरियल यहाँ पे मिल रहा था विंटर के लिए, जो कि उतना मज़ा नहीं आ रहा था। टी शर्ट्स थी यहाँ पे कुछ इस टाइप की जो कि काफ़ी अच्छी लगी, फुटवेयर था यहाँ पर। एंड गाइज, आगे जाके देखिए तो यहाँ पर कुछ परफ्यूम्स थे एंड डीओ थे जिनका स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। कुछ क्रंचेस दिखे, फिर सेक्शन दिखा यहाँ पर जो कि थी 99 में है। एंड ये स्वेटर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आगे जाके जब हम देखते हैं तो ये स्लीपर्स यहाँ पर दिखी हमको जो कि काफ़ी अच्छी थी, कुछ हमने ट्राई भी किया। एंड जब मैंने प्राइस देखा तो व्हाट, 499 में स्लीपर्स मिल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया था। 149 में बच्चों के कपड़े मिल रहे थे, मतलब बच्चे एक बार पहन के हटा देते हैं, और 149 तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा था। और यहाँ पर कुछ जूतीस थी और जो कि मेरी सिस्टर ने भी ट्राई किया, स्लीपर्स थी, अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। और आज मैंने वेयर किया है बॉटम जीन्स एंड हुडी पहना है यहाँ पर। और ये कुर्ती ना यहाँ पर दिखी मुझे जो कि 1000 रुपीज़ की थी, जो कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं करती है। तो आगे जाके जब हम चेक करते हैं तो मेरी सिस्टर को ना एक हुडी पसंद आई थी, बच्चों की थी, बड़ी प्यारी थी, जिसका प्राइस था 699, अच्छा था काफ़ी। और यहाँ पे बच्चों का ना ये सेट था ऊपर नीचे का जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और 400 में गाइज ये सिर्फ टी शर्ट आ रही थी बच्चे की, और 499 में यहाँ पर कुछ स्लीपर्स हैं। एंड जो टी शर्ट मैंने पकड़ा है ना वो अच्छी लगी थी मुझे, तो मैंने वो रख ली थी, मैंने सोचा बाद में डिसाइड करते हैं। कुर्ती भी यहाँ पे ओके थी, मतलब एक बार देख के पसंद आ जाए, ऐसा कुछ मटेरियल वहाँ पे मुझे कुछ लगा नहीं। टी शर्ट ये थोड़ा कलर मुझे पसंद आया था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था, बट साइज़ पता नहीं क्यों अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ना साइज़ का इशू आ रहा था जो भी मुझे पसंद आ रहा था, तो उस वजह से मैं ले नहीं पा रही थी कुछ। और यहाँ पर जब बॉयज़ सेक्शन में आते हैं
तो एक टी शर्ट पे मेरी नज़र गई, तो ये टी शर्ट ना काफ़ी दूर से मुझे देख के अच्छी लगी, तो इसको मैंने निकाला और बड़ी झिल्ली सी थी, देखकर ही लग रही है। और मटेरियल भी इसका ऐसा लग रहा कि एक वॉश में ही पता नहीं क्या होंगे इसकी हालत। और ये टी शर्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मटेरियल भी काफ़ी अच्छी लगी, तो पिंक टी शर्ट भी यहाँ पर अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पर ना वीडियोज़ नहीं बनाने दे रहे थे, इस वजह से मैं बहुत बच बच के वीडियोज़ बना रही थी, तो जितना हो पाया उससे मैंने उतना रिकॉर्ड किया। ये टी शर्ट का कलर अच्छा लग रहा था, बट पता नहीं साइज़ अवेलेबल नहीं था। और ये तीन टी शर्ट मेरे हाथ में जो थी ये मैंने ले ली थी। और यहाँ पे बॉयज़ के लिए शर्ट भी काफ़ी अच्छी थी और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा था शर्ट का, मतलब बॉयज़ में काफ़ी चीज़ें जो थी मुझे अच्छी लगी। हुडीज़ भी है यहाँ पर, प्राइस भी अच्छे खासा ही था। और 799 में यहाँ पे शूज़ मिल रहा था, मतलब वाओ, ये तो बहुत ही हद हो गई। तो यहाँ मैंने कीमा पाव लिया और खाया और काफ़ी अच्छा लग रहा था, और भूख भी बड़ी ज़ोर के लगी थी और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और देखते देखते मैं अपनी सिस्टर को देना ही भूल गई थी, तो मैंने उसको भी दिया। फिर यहाँ हमने शोरमा खाया, और ये मेरी सिस्टर का फेवरेट है तो उसने मेरे लिए भी लिया था, तो हम दोनों ने यहाँ पर खाया। और अब हम यहाँ पर अपना पार्सल लिए, जो कि मेरी बड़ी सिस्टर ने ऑर्डर दिया था, वो हमने पार्सल लिया यहाँ पर, क्योंकि उसको भी भूख लग रही थी तो उसको भी कुछ अलग सा खाना था, तो उसने भी यहाँ पर ऑर्डर दे दी थी। तो हम आते आते अपना पार्सल लिए और पार्सल लेके अब हम जाएंगे घर सीधा, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। सो या गाइस, दैट्स इट। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।